और प्रयागराज की बात करते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। साथ ही साथ अनिल राजभर ने कहा कि देश में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। इस क्लस्टर के आप इंचार्ज, इसमें चार सीटें आती हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज और फूलपुर, ये चारों सीटें बीजेपी के पास है पहले से, और इसमें अब कितनी लड़ाई मानते हैं और किस तरह से इन सीटों पर फिर से विजय प्राप्त करेंगे? पिछली बार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। सरकार ने जो काम किया है उसकी स्वीकार्यता जनता में है। हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, एक अच्छे उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है। मैं समझता हूं कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़कर हमारे उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी। अच्छा, बीजेपी की रणनीति होती है और उस व्यूह रचना किस तरह की आप लोगों ने की है? कहा जा रहा है कि 80 की 80 सीटें प्रदेश की और 400 पार एनडीए पूरे देश में, इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे, हम लोगों का संकल्प है पूरा प्रदेश जीतकर मोदी जी को देने का, और उसको पूरा करेंगे। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री कैराना शामली जाएंगे और सीएम शामली में कैराना से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली के बाद मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर में सीएम योगी इस चुनाव का पहला रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के समर्थन में रोड शो होगा। शाम को 4 बजे भगत सिंह चौक से घंटा घर तक रोड शो निकाला जाएगा। करीब 1 घंटे तक रोड शो चलेगा। आपको बता दें, अब तक सीएम योगी प्रचार के लिए 3 बार सहारनपुर आ चुके हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के ठीक बाद और पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी के इंटरव्यू से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा और साफ किया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और जनता के बीच यही भरोसा 400 पार के नारे को साकार करेगा। सबसे पहले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपना विजन बताया। उन्होंने क्या क्या कहा वो आपको बताते हैं। मेरे पास बड़ी योजनाएं हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। मेरे निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं है, मेरे निर्णय देश के समग्र विकास के लिए हैं। देश को मजबूत बनाना हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पर मैं काम कर रहा हूं। कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, चुनावी चंदे से लेकर सनातन के विरोध तक हर मुद्दे पर विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने क्या क्या कहा आपको बताते हैं। सनातन के खिलाफ जहर उगलने वालों के साथ कांग्रेस क्यों है, ये उन्होंने कहा। सनातन विरोधियों के साथ बैठना क्या उनकी मजबूरी है, उनकी क्या मजबूरी है और कांग्रेस की मानसिकता में ये कौन सी विकृति है। राम मंदिर मुद्दे का किसने राजनीतिकरण किया, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। कोर्ट में कोशिश की गई कि फैसला ना आए, विपक्ष के लिए ये एक राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से ये मुद्दा चला गया। आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्थाएं, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। अब सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे,
डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाजपा था, न आरएसएस थी, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ जो भी है, अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। नामांकन भरने के दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मैनपुरी सीट पर मुकाबला इस बार जबरदस्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने यहां से मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है। जयवीर सिंह ने कल अपना नामांकन दाखिल किया था। तो मैनपुरी सीट के लिए नामांकन भरेंगे आज डिंपल यादव, कल उनके कॉम्पिटिटर जयवीर सिंह की तरफ से नामांकन भरा गया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और आज समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव नामांकन भरेंगी। तो दो तस्वीरें आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, कल जो नामांकन भरा है जयवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से, और आज नामांकन डिंपल यादव भरेंगी। दोनों के बीच मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। मैनपुरी की जंग इन दोनों प्रत्याशियों के बीच होगी। कोटद्वार में आज गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गापुरी में होने वाले इस विशाल जनसभा के लिए मंच और पंडाल बन चुका है। दोपहर 1 बजे अमित शाह कोटद्वार पहुंचेंगे। तो अनिल बलूनी के समर्थन में ये जनसभा रहेगी। अमित शाह पहुंचेंगे कोटद्वार, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। अमित शाह के पहुंचने से पहले लगातार तैयारी चल रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने भी कमर कस ली है। इंडी गठबंधन के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। 17 अप्रैल को गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इसके साथ ही 17 अप्रैल को सहारनपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो भी होगा। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सहारनपुर में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती का पश्चिमी यूपी का दौरा जारी है। मायावती भी आज बिजनौर में जनसभा करेंगी। नुमाइश मैदान में उनकी जनसभा होगी। 2019 में बीएसपी को ये सीट जीती थी। मलूक नागर सांसद थे। मलूक नागर ने चुनाव से ठीक पहले बसपा छोड़कर आरएलडी को ज्वाइन कर लिया है। बीएसपी ने इस सीट से ब्रिजेंद्र सिंह को उतारा है, जबकि आरएलडी से चंदन चौहान, तो समाजवादी पार्टी ने दीपक को टिकट दिया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।